हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। देखिए आज मैं आप लोगों को ये जो निक लाइन डिज़ाइन है इसे मैं फैब्रिक पे बताऊंगी किस तरह से फैब्रिक पे इसे करना है प्रिंट। कोई कोई मेरे व्यूअर्स पूछते हैं कि फैब्रिक पे आप करके दिखाइए, इसलिए मैं इसे दिखा रही हूँ कि मैं इसे फैब्रिक पे कैसे डालूँगी। तो ये है, इसे हमने क्या किया है, देखिए ये ट्रेसिंग पेपर है। ट्रेसिंग पेपर पर पेपर को नीचे रख के और इसे यहाँ हमने अपना जो डिज़ाइन है उस पर प्रिंट कर लिया है पेन से। और फिर क्या किए हैं, ये टेप है, टेप की मदद से देखिए इस तरह का होता है, इसे हमने चिपका दिया है फैब्रिक पे। फैब्रिक का सेंटर जो है जहाँ पे ये नेक लाइन डिज़ाइन बनेगा उसका सेंटर देख के और इसे हमने कपड़े पे सेट कर लिया है। अब क्या करना है हमें कि इस प्रिंट पे बनाने के लिए मैं ब्लू कार्बन लूँगी तो थोड़ा कम दिखेगा, इसलिए हमने वाइट कार्बन लिया है। देखिए ये वाइट कार्बन होता है, वाइट कार्बन शीट रहता है। तो इसे हमें क्या करना है कि इस पेपर के नीचे इस वाइट कार्बन शीट को डाल देना है। अब देख सकते हैं ये चला गया। सेट कर लिए इसे। और अब हमें क्या करना है, कोई भी पेन, ये लीड पेन ही ज़्यादा इसमें अच्छा रहेगा, उसे लेके पहले ये जो लाइनिंग है लाइनिंग को चला लेंगे। और अब हमें क्या करना है, कहीं से भी आप इधर से या इधर से जहाँ से आपको आपको सुविधा हो आप वहाँ से इसे बनाना शुरू कर दीजिए।
आप इसे बनाने के लिए लीड पेन का ही इस्तेमाल करिएगा, स्केच पेन से ये ठीक नहीं उतरेगा। बॉल पॉइंट पेन भी आप इसे बोल सकते हैं, बोलते हैं। अब ये पूरा हो गया है, अब मैं इसे खोल कर दिखाती हूँ।
फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये कपड़े पे कितनी अच्छी तरह से आ गया है वाइट कार्बन के लगाने से। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरा अच्छा लगा होगा ये वीडियो, आप लोगों की डिमांड थी। और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, और वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।